ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट MNCs. इसको जब शॉर्टकट में लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं, तो MNCs. कोई चीज प्लूरल में दिखानी हो तो एस छोटा कर देते हैं, MNCs. मल्टी, हिंदी में बहुराष्ट्रीय, यानी कि ज्यादा. मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती हैं, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं. स्टेटमेंट क्या है? इन मोस्ट कंट्रीज मल्टीनेशनल कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट. तो अब तुम मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताओ इंडिया में जिन्हें तुम कंज्यूम करते हो या तुम यूज करते हो, और वो प्रोडक्ट चाइना में मिलते हैं, पाकिस्तान में ही मिलते हैं, यूएस में ही मिलते हैं, और बाकी कंट्रीज में मिलते हैं. तो यानी कि वो प्रोडक्ट जो हैं या वो कंपनीज जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी है या मल्टीनेशनल प्रोडक्ट हैं. तो बताओ. पिज्जा डिपेंड करता है. डोमिनोज का पिज्जा इंडिया में मिल रहा है, तो डोमिनोज इंडियन कंपनी है. तो डोमिनोज बाहर की कंपनी है, डोमिनोज का पिज्जा इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है. मैकडोनल्ड्स इंडिया में भी है, चाइना में भी होगा, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी. और ये जो तुम फोन लेके घूम रहे हो, ओप्पो, वीवो, चाइनीज फोन है, यहाँ भी मिलते हैं, पाकिस्तान में ही मिलते हैं. सैमसंग कोरियन कंपनी है, यहाँ की थोड़ी है सैमसंग. ये जो एप्पल है, ये आपकी अमेरिकन कंपनी है. सो दीज आर मल्टीनेशनल कंपनी. तो टॉपिक को समझो अब. दीज कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. तो हो रहे हैं इम्पोर्टेंट. आधे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो तो बाहर के ही हैं. हमारे घरों में हम, ठीक है भाई, एलजी की वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, एलजी बाहर की कंपनी है. हमने जो एलईडी लगाई हुई है सैमसंग की है. जो फोन लेके घूम रहे हैं वो शाओमी का है, ठीक है ना. वो अलग अलग देशों के प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं. तुम्हारे किचन में जो बहुत सारे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, वो इंडियन कंपनी नहीं है. नाम है उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं है. ITC इंडियन टोबैको कंपनी, लेकिन वो इंडिया की नहीं है, वो बाहर की कंपनी है. उनके बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, सर्फ एक्सेल, ठीक है, और भी बहुत सारे सोप्स हैं या बहुत सारी और चीजें हैं. तो देयर प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट. बट क्वेश्चन प्रॉम्प्ट क्या है? स्टेटमेंट ये नहीं है, या तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि उनके प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है. वो तो बता रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हैं. आगे वो क्या लिख रहे हैं? दिस ट्रेंड इज सीरियसली डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ. और ये जो इंपॉर्टेंस हो गई है मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट की तुम्हारी लाइफ में, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हुई है, डैमेज हुई है, नेगेटिव हुई है. दिस इज द प्रॉम्प्ट जिस पे तुम्हें अपनी सहमति या असहमति दिखानी है. उस पे नहीं दिखानी कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो गए या नहीं हो गए, वो तो है, फैक्ट है. वो तो अगली जो लाइन है कि इन्होंने, मतलब मानना है ऐसा कुछ लोगों का, या ऐसा कहा जाता है कि इनकी इंपॉर्टेंस की वजह से लोगों की जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है नकारात्मक तरीके से. डू यू अग्री और डिसअग्री? डू यू अग्री खुर्शीदा? हुई है प्रभावित, नकारात्मक फर्क पड़ा है. आप इसे कंप्लीटली अग्री करके चलोगे? अगर खुर्शीदा कह रही है कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, इंट्रो, MB1, MB2 और कंक्लूजन, तो खुर्शीदा को इन दोनों बॉडी पैरा में क्या लिखना होगा? कुछ ऐसा लिखना होगा जिसमें तारीफ हो MNCs की और MNCs कंपनी के प्रोडक्ट की, और हम ये बता पाए कि उनसे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई है. सॉरी, नहीं, आपने स्टैंड क्या लिया है? आपने अग्री का स्टैंड लिया है. तो आप बताओगे कि कैसे उनसे हमारे जीवन की गुणवत्ता खराब हुई है. आप कहीं से भी फिर उनकी पॉजिटिव बात नहीं करोगे अगर आप इस स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हो. तो आप प्रूव करोगे व्हाई दीज प्रोडक्ट्स आर डैमेजिंग, और इसमें भी सेम व्हाई या हाउ, ठीक है ना. तो आपको सिर्फ उसी बारे में बात लिखनी है. अब तारीफ मत कर देना, क्योंकि आपने जो स्टैंड लिया है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा. आप अपनी बात को अब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने थीसिस ही बोली है. और अगर थीसिस हम ये लेके चले, नहीं, हम डिसअग्री कर रहे हैं पूरी तरह से इस बात से, तो फिर इन बॉडी पैरा में क्या आएगा? इसका उल्टा लिखना पड़ेगा कि उन्होंने तो, इन प्रोडक्ट्स ने तो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया है,
और वो हमें प्रूव करना पड़ेगा पॉइंट्स लिख के। और इसका सबसे अच्छा तरीका, मैं अक्सर कहता हूँ कि दो मेन आइडिया लेके चलो एक पैरा में, लेकिन जब इस तरीके का कोई ऐसे आए तो एक मेन आइडिया मेन बॉडी वन में और एक मेन आइडिया मेन बॉडी टू में, एक को ही ठीक से एक्सप्लेन कर लो। कैसे? वो जो मेरा तरीका होता है, टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, एग्जाम्पल। तो इसमें आपका पूरा MB1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ऐसे ही MB2 में भी एक और मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, एग्जाम्पल, बात खत्म। तो ये एक परफेक्ट सा बैलेंस हो जाएगा अपनी बात को आर्ग्यू करने के लिए। तो अब अगर आपने कहा मैं अग्री करती हूं इस बात से, आपके पास दो मेन आइडिया होने चाहिए अपनी इस बात को आर्ग्यू करने के लिए, अपनी इस बात को बैकअप करने के लिए, दलील देनी पड़ेंगी आपको। तो वो दलीलें आप पे होनी चाहिए, और जो इसका इसको डिसअग्री कर रहा है तो वो ये दलील देगा कि इनसे जीवन शैली कैसे इंप्रूव हुई है, जीवन की गुणवत्ता कैसे इंप्रूव हुई है। ये बात समझ रहे हो? अब मैंने इसमें क्या स्टैंड लिया है, मैंने सिंपली मैंने इसमें कंप्लीटली डिसअग्री किया है। अब मैं एक बार फिर तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, इट डजंट रियली मैटर कि तुम्हारी ओपिनियन क्या है, उनको तुम्हारी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको किनको? जो आइल्स एग्जामिनर हैं, जो आपकी राइटिंग असेस करेंगे, उन्हें कौन सी चार चीजें असेस करनी है मनप्रीत? ग्रामर, वोकैबुलरी, टास्क रिस्पॉन्स जो हमने करने के लिए कहा था वो तुमने किया नहीं किया, और तुमने जो भी एसे ड्राफ्ट किया है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा था, वो किस तरह से आपने डेवलप किया है, उसके कनेक्शंस, कोहेरेंस, कोहेशन, आइडिया क्या यूज किए हैं, स्टैंड क्या लिया है, अग्री किया या डिसअग्री किया, पूरी तरह अग्री किया पूरी तरह डिसअग्री किया, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? तो इसलिए इस बारे में मत सोचो, जो भी स्टैंड लो बस उसको प्रूव करो, और इंग्लिश का ध्यान रखो क्योंकि ये इंग्लिश की असेसमेंट है, ये इंग्लिश का एग्जाम है। क्लियर? तो मैंने जो स्टैंड लिया वो लिया कंप्लीटली डिसअग्री का। अब बात ये है कि मैं अपने इस स्टैंड को कैसे आर्ग्यू करता हूँ, उसको कैसे मैं लिखता हूँ, कैसे अपना आइडिया डेवलप कर पाता हूँ, तो वो पूरा का पूरा ऐसे मैं आपको इस बोर्ड पे अभी एक्सप्लेन करूंगा। और मेन चीज क्या मैटर करेगी कि मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, कोहेरेंस कोहेशन क्या है, LR मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, और कहीं मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, मेरी प्लानिंग कितनी अच्छी है। लिखना शुरू करें। लिखने से पहले थोड़ा सा आइडिया, आप कह रहे थे कि इनसे हमारी जीवन की गुणवत्ता खराब हुई है, तो जरा मुझे बताना आपको क्यों लगता है खराब हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, बट पॉइंट क्या है? People are becoming unfamiliar with the native products which are in the market of that all country, and due to that the economic wealth is going to decrease of the small businesses. मान लो मैं हूँ भाई, मुझे मेरी जीवन की गुणवत्ता कैसे खराब होती है अगर मैं एप्पल का आईफोन खरीदता हूँ, तो मेरे जीवन की गुणवत्ता कैसे खराब होती है? मैं टोटली उस पे डिपेंड होगी, अगर मुझे चूज करना भी पड़ जाए अपना नॉर्मल, कभी बाय चांस तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं उसकी हैबिचुअल हो गई उस चीज की, दूसरी चीज के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गौरव, लवदीप, पार्थ, युवराज, रोहित, मनप्रीत। आप कह रहे हो कि मैं उसके हैबिचुअल हो गई हूँ, मतलब तो उसमें बुराई क्या अगर हैबिचुअल हो गए हैं? कीप यूजिंग आईफोन, प्रॉब्लम क्या है? करते रहो, अच्छा प्रोडक्ट है, सभी इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? कभी अगर करना भी पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए? दूसरा लेना पड़ जाए, वो खराब हो जाए तो क्या होगा उससे?
ये तो नहीं नहीं खराब तो फिर वो भी हो सकता है। अच्छा पहली बात तो आईफोन यूज ही क्यों कर रहे हैं हम? कि वो नहीं आईफोन हम तभी यूज कर रहे हैं वो अच्छा है, तो यानी कि उस मल्टीनेशनल प्रोडक्ट ने हमें एक अच्छा ऑप्शन अवेल करा रखा है ना, जो कि अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है, तो इसने तो लाइफ अच्छी की है हमारी। जस्ट इमेजिन, हम अपना लोकल प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? करो ना आप लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल। किसने कहा नोकिया लोकल प्रोडक्ट? लावा इंटेक्स माइक्रोमैक्स इंडियन ब्रांड है, बट दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना अर्लियर। वो चाइना से बन के आ रहे थे, वो अलग बात है कि ये कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, दे आर ओनली मार्केटिंग देम। होता क्या है आमतौर पे, आपको नहीं पता, आज एक वाइट लेवल मार्केटिंग मार्केट बोलते हैं उसको। एक मैन्युफैक्चरर होगा, वो फोन बनाएगा और उससे गौरव कहेगा भाई मुझे गौरव के नाम से मोबाइल लॉन्च करने हैं, जाएगा ठीक है भाई हम तुम्हारे उस पर गौरव के नाम की गौरव मोबाइल्स, वही अब लवदीप जाएगा कि मुझे अपने नाम से करने हैं उसी के पास कि भाई ठीक है 1,00,000 फोन तुम्हारे नाम के लोगो लगा के भेज देंगे। तो ये ऐसे हो रहा है, हो सकता है जो माइक्रोमैक्स तुम खरीद रहे हो, लावा का फोन खरीद रहे हो, या इंटेक्स एक टाइम में मैक्स और बहुत सारी कंपनियां आ गई थी, क्या पता वो एक ही जगह से बनके एक ही फैक्ट्री से बनके निकले हो। तो वो चलो वो पॉइंट नहीं है हमारा पॉइंट, टॉपिक पे वापस आते हैं। डोमिनोज का पिज्जा खाते हो? क्यों खाते हैं डोमिनोज? मत खाओ ना, क्यों खाते हैं? अच्छा होता है, क्वालिटी होती है, रिसर्च करके बनता है, उसका टेस्ट सेम मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है, कभी गड़बड़ नहीं मिलती, ठीक है ना। जो लोकल इधर उधर होते हैं उनका खाली किसने बना किया? डोमिनोज वाले घर से ले जाते हैं उठा के तुमको, एप्पल वाले धक्का करते हैं, जेल में डाल देंगे अगर एप्पल का फोन नहीं खरीदोगे। जस्ट इमेजिन, किसने कहा? आर दे फोर्सिंग यू? दे आर एडवर्टाइजिंग, ठीक है एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें इतना देश प्रेम है, देश प्रेमी हो, तो मत खरीदो ना प्रोडक्ट। वो कैसे खराब कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बात गलत है, पर जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने पॉइंट को, तो फिर उसमें कैसे करोगे? दिमाग लगा के। कोई है, आप क्या स्टैंड लेके चलोगे रितिका? आप डिसएग्री करोगे कि डैमेज नहीं किया, आप फिर सकारात्मक पहलू दिखाओगे कि अच्छा है ना, रेंज अवेलेबल है हमारे पास, ऑप्शन अवेलेबल है, वरना जो सामने है वो ही लेना पड़ता मजबूरी में, चाहे उसमें क्वालिटी हो या नहीं हो, एटलीस्ट आज और क्या पॉइंट है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इतनी सारी कंपनियां इंडिया में आके काम कर रही हैं, ओप्पो वीवो दुनिया मतलब कितना बिजनेस दे रखा है मोबाइल कंपनियों को। इंडिया की मोबाइल कंपनी कौन कौन सी है? और इस वक्त ये चलीन रहा उनका कुछ भी, मेजोरिटी स्टेक अगर देखें तो ज्यादातर बाहरी कंपनी का। अच्छा चलो, इंडियन लैपटॉप कौन सा है? किसने कहा लेनोवो इंडिया का है? अरे असेंबलिंग इंडिया में रोजगार दे रखे हैं इन्होंने, ऐसे तो आईफोन बन रहा है आपका इंडिया में, पॉइंट वो नहीं है। अच्छा तो सकारात्मक बात है ना कि उन्होंने यहाँ के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार दिया हुआ है, उसकी मार्केटिंग में रोजगार दिया हुआ है, वो फोन खराब होते हैं उसकी सर्विसिंग में रोजगार मिला हुआ है। डोमिनोज यहाँ खुला हुआ है भाई, जो बना रहे हैं, जो उसको सप्लाई कर रहे हैं, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना रोजगार दिया हुआ है। तो यहाँ तो सैलरी आई है, सैलरी मिल रही है लोगों को, उससे तो जीवन शैली बढ़िया हो रही है, तो नेगेटिव बात तो आ ही नहीं रही कहीं से भी। और बोलो, देखो जो समझ में आ रहा है मेरी बातों से, जो तुम लोगों को समझ में आ रहा है, यानी कि हमारे पास इस बात को अग्री करने के पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे, तो इस बेस पे ही तुम्हें अपना स्टैंड, अपनी थीसिस लेनी पड़ेगी, थीसिस क्योंकि इसमें थीसिस है, और उसी थीसिस को तुम्हें आर्ग्यू करना पड़ेगा, उसी थीसिस को प्रूव करना पड़ेगा। फिर आती है इंग्लिश की बात कि इंग्लिश कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने यही थीसिस ली है भाई कि आई डिसएग्री, मुझे नहीं लगता कि ये इनसे जीवन शैली खराब हुई है लोगों की, इनफैक्ट हमारे जीवन का स्तर या गुणवत्ता बढ़ी है इनसे, और वो कैसे वो प्रूव करते हैं। लिखना शुरू करो, मैं एक एक सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूं और उसकी ट्रांसलेशन, वो सेंटेंस मैंने क्यों बनाया, किस थॉट से बनाया, वो सब मैं आपको बताता चलूंगा। पहले इंट्रो लिखते हैं।
इंट्रो को कौन से तीन सेंटेंसेस से लिखते हैं खुर्शीदा? बैकग्राउंड स्टेटमेंट, टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज और थीसिस। यहाँ पे थीसिस है इसलिए थीसिस लिखेंगे, अगर थीसिस ना होती तो हम आउटलाइन देते कि इस एसे में क्या करने वाले हैं। तो चलो पहले लिखते हैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जो कि क्या होती है, टॉपिक से जुड़ी हुई कोई बात, कोई फैक्ट, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ। तो वो क्या है, इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहां पे ये चीज लिखना क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि बात ही एमएनसीज की चल रही है, मल्टीनेशनल कंपनी, और जब बात ही मल्टीनेशन की चल रही है तो ग्लोबलाइजेशन लिखना बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही होता है वैश्वीकरण, चीजों का एक ग्लोबल, मतलब इंडिया, खाली इंडिया नहीं, इंडिया एक तरह से पूरे ग्लोब के साथ कनेक्टेड है, राइट। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा रीडर रुके इस पूरे फ्रेज को पढ़ने के बाद रुके, तो कोमा लगाया, इस फ्रेज को अलग करो। कंपनीज आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, हां जी ग्रामर देखो, आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, तो कंपनीज आज इस योग्य हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो उसकी वजह से। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, ट्रैवल इतना ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े कंटेनर्स कार्गोज इधर से उधर जा रहे हैं, एयर कार्गोज अलग होते हैं, जो शिप कार्गो, जो मर्चेंट नेवी है वो यही तो है सारी, जो सारे मर्चेंट नेवी का जो काम है, व्यापार वाली जो नेवी है, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े कंटेनर ट्रकों में लद के जाते हैं, वो सारा शिप से हो रहा है, और उसी की वजह से ये सब पॉसिबल है कि कहीं और की बनी हुई चीज तुम इंडिया में खरीद पाते हो, और इंडिया की बनी हुई चीज कहीं और जाती है। इंडिया से बहुत ज्यादा चावल बाहर जाके बिकता है, पानीपत से बहुत ज्यादा टेक्सटाइल बाहर जाके बिकता है, बहुत एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, तो वो भी कंटेनर्स में बाहर जाता है, और मतलब चीजें हो रही हैं, चल रही हैं। सो कंपनीज आर एबल टू सेल, वो इस योग्य है कि वो बेच पाती है, एबल टू सेल, कौन सी दो चीजें बिकती हैं भाई, देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या फर्क है इन दोनों चीजों में, या तो वो कोई प्रोडक्ट है या फिर वो कोई सेवा है, सेवा इन द सेंस कि उसको आप टच नहीं कर सकते, वो कोई छूने वाली कोई चीज नहीं है, बट दैट्स अ सर्विस। जैसे एम आई सेलिंग यू अ प्रोडक्ट, आई एम सेलिंग यू अ सर्विस, एजुकेशनल सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग यू, ठीक है ना। सो देयर इज नो सच प्रोडक्ट, फोन ये एक प्रोडक्ट है, वी कैन टच इट, ओके। सो दो ही चीजें बिकती हैं, कंपनीज आर एबल टू, फेसबुक और गूगल क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विसेज। तो तुम फेसबुक यूजर हो या नहीं हो, यू आर यूजिंग देयर सर्विसेज, यूट्यूब यू आर यूजिंग देयर सर्विसेज, गूगल का प्रोडक्ट है, हम उस पर वीडियोज डालते हैं, वी आर यूजिंग देयर सर्विसेज, प्रोडक्ट भी है भाई, गूगल अपने स्मार्टफोन भी बेचता है नेक्सस करके, गूगल नेक्सस करके उनके स्मार्टफोन आते हैं, पिक्सल है आई थिंक, पिक्सल राइट। सो सर्विसेज अब लिखना जरूरी है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अब ये पूरा सेंटेंस एक फैक्ट है, मैंने कहा था ना बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या होती है, एक फैक्ट। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के इस युग में, कंपनीज आर एबल टू सेल, कंपनीज योग्य हो गई हैं कि वो अपने प्रोडक्ट और सेवाओं को पूरी दुनिया में बेच पाती हैं, सेल अराउंड द होल वर्ल्ड, ओके। अब थोड़ा सा इसमें मैंने उस चीज को इलेबोरेशन के लिए एक रेफरेंस दिया, वेदर इट इज अ पिज्जा बाय डोमिनोज, वेदर इट इज अ पिज्जा बाय डोमिनोज, डोमिनोज ऐसे कर ऐसे लगाते हैं डोमिनोज, और अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल, अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल, कंपनीज के नाम कैपिटलाइज, पहला जो लेटर है कैपिटलाइज होगा, दे आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, दे आर
अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. अब देखो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड, सो आई एम चेंजिंग द वर्ड्स. तो वो पूरे विश्व में हर जगह मौजूद हैं. डोमिनोज की प्रेजेंस ग्लोबली है और एप्पल के आईफोन्स की जो बिक्री है वो भी ग्लोबली है. अब टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज, टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज, बैकग्राउंड स्टेटमेंट हो गई यहां तक. टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज, इट इज सेड दैट. अब ये एक तरह की बात है, ऐसा कहा जाता है, इसके बाद तुम कुछ भी बोल सकते हो. इट इज सेड दैट, इट इज डैमेजिंग पीपल्स लाइफ, इट इज सेड दैट, इट इज इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ. तो इसको तुम अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो. इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है. इट इज सेड दैट दिस ट्रेंड इज बैडली अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल, दिस ट्रेंड. अब ये जो मैंने यहां दिस यूज किया और ट्रेंड यूज किया, वो कहां है? जो अभी ऊपर बताया है, कंपनीज पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच पा रही हैं. तो दिस ट्रेंड इज बैडली अफेक्टिंग, बैडली अफेक्टिंग, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ, लोगों की जीवन की गुणवत्ता को. हो गया टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज. टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज, रीफ्रेज का मतलब नए शब्दों में लिखना, नए सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना. तो यहां पे मैंने नए सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया. अब आएगी थीसिस, जो स्टैंड है मेरा. अब देखो थीसिस लिखने का तरीका. आई कंप्लीटली डिसअग्री विद दिस व्यू पॉइंट. ये अच्छा वर्ड है, व्यू पॉइंट, नजरिया. कौन सा नजरिया? कि ये ट्रेंड बुरी तरह प्रभावित कर रहा है लोगों की जीवन की गुणवत्ता को. विद दिस व्यू पॉइंट एज आई बिलीव, क्योंकि मेरा विश्वास है या मेरा मानना है, एज आई बिलीव दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इज बेनिफिशियल इन मैनी वेज, इज बेनिफिशियल इन मैनी वेज. लो भाई, ये अब हमारा हो गया एक इंट्रोडक्शन, एक बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है ना. तो इस पैटर्न को फॉलो करना है तुम्हें इंट्रो लिखते वक्त. और इस पर कंप्लीट वीडियो है, हाउ टू राइट एन आइडियल इंट्रोडक्शन, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर, उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो. डे 5 पे ये सारे वीडियोस हैं, टास्क 2 से रिलेटेड. ओके, अब स्कोर किस चीज का मिलेगा? सीधे तौर पर देखा जाए तो लेक्सिकल रिसोर्स कहां है? एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये एक फ्रेज यूज हुआ. वर्ल्ड वाइड ये अच्छा है, राइट. अफेक्ट वर्ड हमने यूज किया, व्यू पॉइंट वर्ड यूज किया, ठीक है ना. इन मैनी वेज, बेनिफिशियल, ऐसा नहीं कोई बहुत अजीब कोई शब्द यूज किए, नॉर्मल इंग्लिश के स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं. ग्रामर, एबल टू की ग्रामर यहां पे आई, ठीक है ना. और वेदर, वेदर और वाला एक जो तरीका होता है, ठीक है, ये हमने यूज किया. इट इज सेड, ये एक पैसिव तरीका होता है बात को लिखने का, इसको हमने यूज किया. ये कॉन्टिन्यूस की ग्रामर है यहाँ पे. यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट की ग्रामर है. आई डिसअग्री, मैं असहमत हूँ. आई कंप्लीटली डिसअग्री, एडवर्ब लगाया बीच में. ओके, और ये भी सिंपल प्रेजेंट की ग्रामर है. आई बिलीव दैट, और यहाँ पे प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल, ये नो एक्शन सेंटेंस है एक तरह का. कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, अच्छे वर्ड्स का यूज हुआ, कोहरेंस कोहेशन आया, क्योंकि बैकग्राउंड स्टेटमेंट, टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज और थीसिस आई, और उसने हमें कहा था, पूछा था, डू यू अग्री और डिसअग्री, तो हमने बताया आई कंप्लीट डिसअग्री. तो मैंने टास्क को रिस्पोंड भी किया है अभी तक. तो चारों पैरामीटर्स अभी तक हम फुलफिल कर रहे हैं.
बैकग्राउंड स्टेटमेंट, टॉपिक प्रॉम्प्ट, रीफ्रेज और थीसिस, इसको मिला के हमने बनाया अपना इंट्रोडक्टरी पैरा। मेन बॉडी पैरा कौन से चार सेंटेंस को जोड़ के बनाते हैं? टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया और एग्जाम्पल। वो अलग बात है कि इन चीजों, ये एग्जाम्पल कई बार पहले आ सकता है, मेन आइडिया बाद में आ सकता है, सपोर्टिंग आइडिया एग्जाम्पल के बाद आ सकता है, तो ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। बट टॉपिक सेंटेंस हम शुरू में लिखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है। तो अब देखें कि टॉपिक सेंटेंस का मकसद होता है रीडर को ये बताना कि ये जो पैरा अब आ रहा है, ये पैरा किस बारे में है। द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, यानी क्या सीधा ये जो बात आ गई, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इसने क्या बता दिया रीडर को कि अब मैं फायदे बताना शुरू हो गया हूं, क्योंकि मैंने डिसएग्री किया था तो मैंने उसका जो उलट है कि कैसे वो डैमेज नहीं, इंप्रूव कर रहा है, फायदे दे रहा है हमारे जीवन को, तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। तो इससे एक आइडिया मिल गया रीडर को कि अब इसमें बेनिफिट्स की बात होगी पूरे के पूरे पैरा में। द ग्रेटेस्ट बेनिफिट इज दैट कंज्यूमर्स कैन चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। कंज्यूमर्स कौन होते हैं भाई? कंज्यूमर्स कैन चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। ग्रामर कौन सी है? मोडल्स, कैन चूज, वाइड रेंज क्या होता है? बहुत सारी ऑप्शंस क्या होते हैं? विकल्प। आज तुम्हारे पास विकल्प है स्मार्टफोन में, एप्पल लेना है एप्पल का स्मार्टफोन ले लो, शाओमी लेना है शाओमी, वीवो, ओप्पो, एलजी, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, नोकिया, सैमसंग और भी बहुत सारे हैं। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोई कोरियन है, कोई चाइनीज है, कोई जैपनीज है, कोई इंडियन भी है, तो कोई अमेरिकन है, कोई ताइवान की है, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जस्ट इमेजिन आज अगर एकदम से गायब हो जाएं इंटरनेशनल प्रोडक्ट तो बहुत सारों की तो जैकेट वगैरह निकल जाएगी, ये फोन ये भी गायब हो जाएगा यहाँ से, मार्कर ये तो इंडियन कंपनी का है, ठीक है ना, समझ गए। तो बहुत सारी डिपेंडेंसी हमारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पे है, ओके। अब इसको, ये तो मेन आइडिया हो गया एक, यानी टॉपिक सेंटेंस प्लस मेन आइडिया, ये एक ही लाइन में क्लब हो गया। अब इसे थोड़ा सा डेवलप करते हैं। सम पीपल गिव मोर प्रायोरिटी टू क्वालिटी, सम पीपल गिव मोर प्रायोरिटी टू क्वालिटी। हां जी, सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, गिव मोर प्रायोरिटी टू, थोड़ा रेंज यूज कर रहे हैं। सम पीपल गिव मोर प्रायोरिटी टू क्वालिटी व्हाइल अदर्स लुक फॉर अ लो प्राइस्ड गुड्स, व्हाइल अदर्स लुक फॉर लो प्राइस्ड गुड्स। अब मैं दो तरह के लोगों की बात कर रहा हूं, कुछ को क्वालिटी चाहिए, कोई भी दाम देने के लिए तैयार है, और कुछ कम दाम की चीज खरीदना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पे नहीं करना चाहते, उनको सस्ती चीज चाहिए, फोन चाहिए लाइफ में, लेकिन जरूरी नहीं है कि 60,000 का फोन चाहिए, ठीक है 7-8-10,000 तक का चाहिए। तो दो तरह के लोग हैं, एक कह रहा है मुझे क्वालिटी चाहिए और एक कह रहा है भाई मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए चाहे सस्ता ही मिल जाए। डिपेंड्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सबका अलग अलग है भाई, ऑप्शन भी तो होने चाहिए ना उस चीज के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स या ऐसे ऐसे फ्रेज, साइन पोस्टिंग वर्ड्स। अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हमने तो रीडर रेडी हो गया एग्जाम्पल पढ़ने के लिए कि अब आएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्यों देते हैं? जो हम थ्योरी लिख रहे हैं, जो हमने अपना पॉइंट लिखा, उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करने के लिए, उसको थोड़ा सा विजुलाइज कराने के लिए अपने रीडर को। फॉर एग्जाम्पल, amazon.com एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, amazon.com, अब देखो जैसे ये दिखते हैं ना amazon.com,
क्या है अमेजन, थोड़ा सा रीडर के लिए आसान बना रहे हैं काम, एन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल लिख सकते हो या वेबसाइट, ठीक है। अब सेंटेंस यहीं से चलेगा, रनिंग में यहीं से आएगा सेंटेंस, amazon.com offers big discounts and deals, offers big discounts and deals on millions of products, on millions of products। ये मैं कोई गलत तो नहीं लिख रहा, सच है ये कि amazon.com जो कि एक वेबसाइट है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो लाखों प्रोडक्ट्स पे बड़े बड़े डिस्काउंट्स और डील्स देता है, ऑफर करता है, सही लिख रहा हूं, ठीक है ना। कंपेयर टू लोकल शॉप्स, किसके मुकाबले, कंपेयर टू लोकल शॉप्स, जस्ट इमेजिन, क्या एक दुकान वो लाखों प्रोडक्ट रख सकती है, क्या एक दुकान इतनी सारी रेंज अवेल करा सकती है, क्या एक दुकान इस इतने हैवी डिस्काउंट्स अवेल करा सकते हैं। तो अब आगे इस बात को और कनेक्ट करते हैं, पीपल लाइक इट व्हेन दे फाइंड द वेज टू सेव देयर हार्ड एंड मनी, पीपल लाइक इट व्हेन दे फाइंड द वेज टू सेव देयर हार्ड अर्न्ड, ये देखो वोकैबुलरी, मनी, क्या होता है हार्ड अर्न्ड मनी, मेहनत से कमाया पैसा, लोगों को भाई पसंद आता है अगर उन्हें कोई तरीका मिले कि वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बचा सके, मनी, बात जुड़ी, मैं फायदा बता रहा हूं, पैसा बचता है इससे लोगों का, और लोगों को ऑप्शन मिलते हैं एक जगह पे इतने सारी प्रोडक्ट्स की रेंज में से चूज करने के, क्वालिटी वाला क्वालिटी चूज कर जाएगा महंगा दाम देके, और कोई नहीं महंगा दाम देना चाहता वो सस्ता प्रोडक्ट लेके चला जाएगा, तो सारी तरह के ऑप्शन अवेलेबल करा दिए एक जगह पे, जो कि लोकली जो शॉप्स होती हैं उस पे नहीं मिलते। तो बताओ इसमें फायदा हुआ हमारे जीवन को या नुकसान हुआ हमारे जीवन को, तो यानी कि मैं अपनी बात पे अभी भी स्टिक कर रहा हूं, उसी को ही प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, अब यानी कि मैं इसके अलावा और कुछ लिख रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम इट, इनडायरेक्टली इजी एक्सेसिबिलिटी, ईजी एक्सेसिबिलिटी, अब मैं सेंटेंस इस टर्म से शुरू कर रहा हूं, क्या होता है ईजी एक्सेसिबिलिटी, आसानी से एक्सेस कर पाना, कोई चीज आसानी से ले पाना या वहां तक पहुंच पाना, इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फॉरेन गुड्स, ऑफ फॉरेन गुड्स, क्या होते हैं फॉरेन गुड्स, बाहर की चीजें, यानी कि बाहर की देशों में बने हुए सामान, फॉरेन गुड्स, एनकरेजेस लोकल बिजनेसेस टू इंप्रूव, एनकरेजेस लोकल businesses to improve their product quality and workability, their product quality and workability, क्या होते हैं दो चीजें, product quality, workability, for example करनाल में डोमिनोज का पिज्जा मिलता है, और अगर करनाल में कोई और एक लोकल वेंडर है जो पिज्जा बना रहा है, उसको पता है कि भाई डोमिनोज इस दाम में ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, या तो मैं दाम कम रखूं या फिर दाम मुझे उतना रखना है तो क्वालिटी भी मुझे डोमिनोज की टक्कर की देनी पड़ेगी या उससे बेटर देनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी दुकान चलाते रहना है। तो इससे लोगों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, दोनों फायदे हुए ना, एक तो बढ़ी हुई क्वालिटी मिली या फिर कम दाम में कोई सामान मिल रहा है, जस्ट बिकॉज की उसके सामने कॉम्पिटिशन है, उसके सामने एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा प्रोडक्ट भी है। अगर जो डोमिनेंस का ऑप्शन ना होता तो उसकी मोनोपोली होती, जो लोकल शॉप होती,
वो जैसा पिज्जा परोसता तुम्हें वैसा खाना पड़ता, जो कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, और जिस दाम में परोसता उस दाम में खाना पड़ता ना, तुम क्वालिटी में ऑप्शन मिलते ना तुम्हें प्राइस में ऑप्शन मिलते। तो प्राइस में और क्वालिटी में ऑप्शन मिलते हैं, लोकल प्रोडक्ट इंप्रूव होते हैं क्योंकि उनके सामने एक फॉरेन प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन होता है, तो उससे फायदा किसको मिलता है? बायर्स को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। एज वी हैव सीन, इस बात को थोड़ा और अब कर रहे हैं, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ, जैसा कि हमने देखा है इन द केस ऑफ अदर इंडियन ई कॉमर्स कंपनीज, अदर इंडियन क्या होते हैं ई कॉमर्स, जो फ्लिपकार्ट, एमेजोन, शॉपक्लूज, मिंत्रा, जो दूसरे ई कॉमर्स हैं, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील, दे हैड टू ब्रिंग इन मोर एक्साइटिंग ऑफर्स। कौन सी है कंपनीज मैंने मेंशन किया है? फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील। जिस वक्त ये मैंने लिखा होगा, आई थिंक 3-4-5 ईयर्स अगो, उस टाइम पे मतलब दीज वर ऑल्सो वेरी एग्रेसिव प्लेयर, ये इंडियन काउंटर पार्ट हैं अमेजोन के। अब तो अमेजोन बहुत आगे निकल गया, बट ये कंपनीज भी हैं भाई, फ्लिपकार्ट भी अच्छा कर रही है, बट अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। वो हैड टू ब्रिंग इन मोर एक्साइटिंग ऑफर्स, हैड टू लाने पड़े, ग्रामर देखो, हैड टू ब्रिंग इन, उनको लाने पड़े भाई, हैड टू ब्रिंग इन मोर एक्साइटिंग ऑफर्स। ये जो बिग बिलियन सेल या ये ऐसी ऐसी ऑफर्स, अब एक वेबसाइट पे बंदे को वो प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है या डील मिल रही है या कैशबैक मिल रहा है, तो ऐसे में दूसरी वेबसाइट को भी देना पड़ेगा, तो उससे फायदा किसका हो रहा है? कंज्यूमर का। सेल लगती है तो तुम ही तो खरीदते हो सस्ते में सामान। हैड टू ब्रिंग इन मोर एक्साइटिंग ऑफर्स फॉर कस्टमर टू बीट द कॉम्पिटिशन, किसके लिए? फॉर कस्टमर्स, किस लिए? टू बीट द कॉम्पिटिशन। टू बीट द कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्लोबल जायंट्स लाइक एमेजोन एंड अलीबाबा, फ्रॉम ग्लोबल जायंट। क्या होता है ग्लोबल जायंट? जो विश्व की बड़ी कंपनीज हैं, जायंट होता है जो एक विशाल, ग्लोबल जायंट्स। और कौन से दो नाम मैंने यूज किए? एमेजोन एंड अलीबाबा। कहां की है भाई? चाइना की। रिटेल में यूज नहीं होती अलीबाबा इतनी, एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए नहीं, लेकिन डीलरशिप में या होलसेल के प्रोडक्ट के लिए अलीबाबा एक बहुत कॉमन, वो ट्रेडर्स या बिजनेसमैन को ज्यादा पता होता है उनका। आम जैसे हम लोग सिंगल प्रोडक्ट यूज खरीदना है तो हमारे लिए ये वेबसाइट ज्यादा पॉपुलर है। तो ये यहां पे मैंने दो पॉइंट्स मेंशन किए, कौन से हैं वो दो पॉइंट? रेंज मिल गई आम पर्सन को, सस्ता प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा, जो लोकल कंपनीज हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेहतर करना पड़ गया, उसका भी इनडायरेक्टली फायदा किसको मिला? कंज्यूमर को मिला। तो कंज्यूमर के लिए तो फायदे का सौदा है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट यहां पे अवेलेबल हैं और तुम उन्हें खरीद सकते हो। तो अभी तक मैं उसी बात को सपोर्ट कर रहा हूं कि डैमेज नहीं किया, फायदा किया है। अभी एक पैरा और बचा हुआ है, तो उसमें भी मैं किसे सपोर्ट करूंगा? इसी बात को। यहां वो कैब कौन कौन सी है भाई जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्कोर दिलवाएंगी? वैसे तो कंपेयर टू हार्ड अर्नड मनी, अपार्ट फ्रॉम इट, कोहेरेंस क्वेश्चन कहां से आ रहा है? अपार्ट फ्रॉम इट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, ये पहला शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए आया, ठीक है ना? एज वी हैव सीन, ये भी बता रहा है, जैसे कि हमने देखा है किसके केस में, ई कॉमर्स कंपनी। ये भी देखो वोकैबुलरी के लिए अच्छा है, ओके? एक्साइटिंग ऑफर्स, कस्टमर बीट द कॉम्पिटिशन, ग्लोबल जायंट्स, सो ये सब वोकैबुलरी का आपको स्कोर दिलवाएंगे।
हाँ जी, अब देखो हम पैरा नया शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमें फायदे लिखने हैं। फायदे इन द सेंस के क्या फायदे हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट के अवेलेबल होने के। अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इंक्लूड, दूसरे जो सकारात्मक पहलू हैं उसमें शामिल है इंक्लूड द जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये बात को लिखने का तरीका है, जनरेशन यानी कि उत्पादन किसका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, रोजगार के अवसरों का। तो ये भी एक सकारात्मक फायदा है, अपॉर्चुनिटी इन ह्यूज नंबर्स, इन ह्यूज नंबर, बड़ी संख्या में। अब इस एम्प्लॉयमेंट वाली बात को सपोर्ट करना है, सपोर्टिंग आइडिया से एग्जाम्पल देना है। इट हैज प्रूव्ड अ बून, इट हैज प्रूव्ड अ बून, क्या होता है बून, वरदान। इट हैज प्रूव्ड अ बून, ये वरदान साबित हुआ है फॉर डेवलपिंग नेशंस, फॉर डेवलपिंग नेशंस, इट हैज प्रूव्ड अ बून फॉर डेवलपिंग नेशंस वेयर मिलियंस ऑफ पीपल जहां पे लाखों लोगों को गॉट जॉब्स टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अपना परिवार चलाने के लिए, राइट। हाँ जी सर, ओटीपी किसका, कौन सा, किसका, फ्लिप ऐप का तो नहीं आया, मैसेज आया नहीं आया, क्या आपका लॉग आउट हो गया क्या? हाँ लॉग आउट हो गया, अभी तक तो इस पे तो नहीं है, कई बार नेटवर्क की वजह से भी नहीं आता। चलो आप दोबारा भेजो, आता है मैं सेंड कर दूंगा। मेरे को ना साड़ी की तरह लेके चलना पड़ रहा है इसको। I'm feeling like I'm wearing a sari, तो पता लग रहा है कि कितना मुश्किल होता होगा महिलाओं के लिए ना। ओके, तो ये तुम समझ पा रहे हो कि लाखों लोगों को रोजगार मिला जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर वो ना हो पाता, अगर इसको देखो और खींचे, रोजगार ना मिलता, फिर क्या क्या पंगे और पड़ते, क्राइम बढ़ता, ठीक है ना, देश की जो जीडीपी है, जीडीपी में भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, टैक्सेस देते हैं बड़े हैवी, ठीक है ना, सरकार को। आगे चलो, सपोर्ट देयर फैमिलीज इन इंडिया, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन इंडिया, इंडिया में जो असली बूम आया है पिछले 20 सालों में, गुड़गांव को जब तुम जाके देखते हो, वहाँ जो एलिवेशंस हैं या स्काई स्क्रेपर्स हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तुम्हें क्या लगता है वो लोकल कंपनीज की हैं या लोकल कंपनी के पैसे से हैं? सारा बीपीओ सेक्टर और बाहर का जो बिजनेसेस यहाँ पे एंटर हुए हैं उनकी, उनके पैसे से है वो। इन इंडिया कंपनीज लाइक सैमसंग, थोड़ी नॉलेज मैटर करती है, कंपनीज लाइक सैमसंग। अब देखो मैं बताना चाहता हूं सैमसंग कहां की है, तो ब्रैकेट में साउथ कोरिया एंड वोडाफोन, कहां की है वोडाफोन, यूके, हैव लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड, हैव लार्ज
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंगेज्ड, सम्मिलित हैं बहुत सारी संख्या में कर्मचारी इन देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सैमसंग का नोएडा में बहुत बड़ा प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, विंग्स एक्सेट्रा। तो ये मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, भारत में जैसे सैमसंग कंपनी है, वोडाफोन है, बहुत सारे एम्प्लॉई सम्मिलित हैं उनमें जो मैन्युफैक्चर हो रहा है। सैमसंग जो भी बनाता है, फोन्स बनाता है, एलईडी होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। और वोडाफोन पूरा नेटवर्क है, टावर्स हैं उसमें, लोग हैं, दुकानें हैं, मार्केटिंग के एजेंट्स हैं। अब मोर ओवर इतना ही नहीं, इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटी, If I talk about quality, comma, then people heavily rely on Samsung. Then people heavily rely on सैमसंग। अब से ना 4-5 साल पहले जब स्मार्टफोन्स आए थे ना, ये तब का लिखा हुआ मेरा एसे है, तब सैमसंग के फोन सबसे ज़्यादा होते थे। ये लग रहा 10 में से 6 या 7 फोन सैमसंग के, और तब ये आपके रेडमी, शाओमी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये तो थे ही नहीं वजूद में। नोकिया डाउन हो चुका था, एप्पल इतना ज़्यादा इंडिया में आया नहीं था, किसी किसी पे होता था, तो सैमसंग का वर्चस्व उस टाइम पे बहुत हुआ। तो एकदम से बहुत स्मार्टफोन फिर सैमसंग के बिके। ये तो पिछले 3-4 साल में सैमसंग डाउन होता चला गया और ये चाइनीज जो फोन्स हैं ये रफ्तार पकड़ गए। तो पीपल रिलाय हैविली, हैविली रिलाय, ये वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। देन पीपल हैविली रिलाय ऑन सैमसंग मेड स्मार्टफोन और एलईडी, ये घरों में जो टीवी होते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है एलईडी की पता है किसी को? लाइट एमिटिंग डायोड। वो एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली जिसमें कंपोनेंट कम लगते हैं और वो जो चीज़ क्वालिटी उतनी रहती है। एलईडी, एलईडी टीवी एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मैनी अदर क्या क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस? सैमसंग के भाई एसीज भी होते हैं, सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी होती है, सैमसंग के माइक्रोवेव भी होते हैं, ठीक है ना, सैमसंग के फ्रिज होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। और मतलब सैमसंग में कोई डाउट नहीं करता, एक वक्त में इतना था कि पूछता नहीं था कि क्वालिटी ठीक है। नो अदर लोकल ब्रांड्स इज कैपेबल, ये तब के हिसाब से लाइन है, लेकिन आज ये लाइन, आज कौन सी कंपनी की रिलायंस ज्यादा है? या वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलजी, फ्रिज, एलजी तब भी था, फल फूल, ओके। इसको इस लाइन की बजाय मैं नई लाइन लिखता हूं, मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्वाइट फ्यू ऑफ अदर ब्रांड्स आर कैपेबल ऑफ delivering the similar standards in terms of quality। तो मैंने यहां लिखा कुछ ही ऐसे दूसरे ब्रांड्स हैं
जो इस योग्य हैं कि वो उस स्टैंडर्ड की गुणवत्ता मुहैया करवा पाए। देयरफोर, अब इसे मैं लिखा क्यों मैंने ये सब कुछ, देयरफोर क्या है लोगों के पास, देयरफोर कंज्यूमर्स हैव द फ्रीडम टू बाय द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। कंज्यूमर्स हैव द फ्रीडम टू बाय द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर सैमसंग नहीं होता अवेलेबल, जो कि एक मल्टी नेशनल ब्रांड है, उसका फ्रिज तुम यहां ना ले पाते या उसका तो मोबाइल फोन यहां ना ले पाते, तो फिर वही जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, लोकल प्रोडक्ट की मोनोपोली होती, वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता, वो जल्दी खराब होता, उसकी उसकी जो परफॉर्मेंस होती वो अच्छी ना होती, तो सफर कौन करता फिर, तुम सफर करते, कंज्यूमर सफर करते। तो अच्छी बात है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो उन्होंने हमारी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ाया है या कम किया है। तो यानी ये सब लिख के मैं अपनी बात को सही से आर्ग्यू कर पा रहा हूं, यही ऐसे राइटिंग है। अगर मैंने ये स्टैंड ले लिया होता कि वो डैमेज कर रहे हैं, तो मैं उल्टा लिख रहा होता। पर जरूरी नहीं कि वो मुझे जज करेगा उस पॉइंट पे, वो बस इंग्लिश देखता उसमें भी कि इसकी ग्रामर कैसी है, इसकी वोकैब कैसी है, क्या इसने आर्ग्यूमेंट ठीक से दी है अपने थीसिस के लिए, दैट्स इट। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता तुम पॉइंट क्या पिक करोगे, बस जस्टिफाई करो अपने पॉइंट को। डन। अब यहां अच्छे अच्छे वर्ड्स क्या है और सेंटेंस फॉर्मेशन देखो ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इंक्लूड, ये सिंपल प्रेजेंट है, इट हैज प्रूव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना, वेयर मिलियंस ऑफ पीपल गॉट जॉब्स, ये पास्ट सिंपल पास्ट है, हैव लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये पजेशन की ग्रामर है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटी, ये सिंपल प्रेजेंट है, पीपल हैविली रिलाय, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये तरीका देखो बड़ा ज्यादा भरोसा करते हैं। और फिर ये ग्रामर, आर कैपेबल ऑफ, इस योग्य हैं कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सिमिलर स्टैंडर्ड, कंज्यूमर्स हैव द फ्रीडम, ये पजेशन की ग्रामर है, To buy the best product in the world। चलिए भाई अब कंक्लूड करें, हमने आर्ग्यू कर लिया अपनी थीसिस को। कंक्लूजन कैसे होता है, कौन सी दो चीजें लिखते हैं हम कंक्लूजन में, हां जी कंक्लूजन में थीसिस को रिफ्रेज करते हैं और प्रिडिक्शन या सजेशन देके हम फिनिश कर देते हैं। इन कंक्लूजन ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड पीपल टू अर्न मोर, इनेबल्ड पीपल टू अर्न मोर, वैश्वीकरण ने लोगों को ज्यादा कमाने के लिए योग्य बना दिया है, हैज इनेबल्ड पीपल, ग्रामर है यहां भी, हैज इनेबल्ड पीपल टू अर्न मोर एंड स्पेंड देयर मनी फ्रीली ऑन देयर डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, एंड स्पेंड देयर मनी, हैज इनेबल्ड पीपल टू अर्न मोर एंड स्पेंड देयर मनी, कि वो अपना पैसा खर्च करें फ्रीली ऑन देयर डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीली स्वतंत्रता से, ऑन देयर डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, रेस्ट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स बाइंग हैबिट्स। अब यहां मैं एक सजेशन या प्रेडिक्शन दे रहा हूं, रेस्ट बाकी डिपेंड करता है, रेस्ट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स बाइंग हैबिट्स विच कैन आइदर बी इन कंट्रोल और इरेशनल, विच कैन आइदर बी इन कंट्रोल और
इरेशनल। अब ये बात मैंने क्यों लिखी कि भाई ठीक है हमारे सामने प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, इतनी सारी जॉब्स मिल गई, पैसा ज़्यादा कमाने लगे, प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, हम अपने लिहाज से वो पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी निर्भर करता है तुम्हारी बाइंग हैबिट्स पे, तुम्हारे ऊपर है भाई। सस्ता खरीदना है सस्ता खरीदो, महंगा खरीदना है महंगा खरीदो, क्वालिटी खरीदनी है क्वालिटी खरीदो, पुअर क्वालिटी खरीदनी है वो खरीदो। तो कंपनीज को दोष देना तो ठीक नहीं है ना, मत खराब होने दो। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट से तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी खराब होती है तो मत खराब होने दो ना, तुम्हारी जेब से धक्के से कोई पैसा थोड़ी निकाल के लेके जाता है। तो इंडिविजुअल बाइंग हैबिट्स विच कैन आइदर बी इन कंट्रोल, जो कि काबू में भी होती हैं, कुछ लोग काबू में खर्चा करते हैं पैसा खर्चते हैं, कुछ लोग बेहिसाब इरेशनल, मतलब ऑलरेडी हैं चीज़ें फिर भी खरीदे जा रहे हैं प्रोडक्ट, चाहे वो गारमेंट्स हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। सो इट इज अनफेयर टू मेक एमएनसीज एंड देयर प्रोडक्ट्स कल्प्रिट। सो इट इज अनफेयर टू मेक एमएनसीज एंड देयर प्रोडक्ट कल्प्रिट। तो ये थोड़ा अन्यायपूर्ण है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको हम गुनहगार बना दें कि उनका कसूर है, उन्होंने जीवन खराब किया हुआ है हमारा। सो ये मैंने यहाँ पे एक नसीहत लगा लो, एक सजेशन भी दे दी कि मत ब्लेम करो ना, तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में रखो, उन्होंने तो हमें ऑप्शन दे दिए। अब कुछ अच्छे जो वोकैबुलरी हैं यहाँ, क्या क्या है, एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्यू पॉइंट नजरिया, फाइनेंशियल लिमिटेशंस आर्थिक दायरा, एनकरेज बढ़ावा देना, ई कॉमर्स कंपनीज ऑनलाइन काम करने वाली कंपनी, हैवली रिलाय ज्यादा निर्भर होना, इरेशनल बिना तर्क का बेतुका, कल्प्रिट गुनहगार, अफेक्ट प्रभावित करना, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, हार्ड अर्न्ड मनी मेहनत से कमाया पैसा, वर्केबिलिटी कार्य क्षमता, बून वरदान, सेगमेंट क्षेत्र या हिस्सा, अनफेयर अन्यायपूर्ण गलत। तो ये सारे वोकैबुलरी इसमें यूज हुए हैं। सो दैट्स हाउ यू ड्राफ्ट एन एसे। सो व्हाट आर द फोर क्राइटेरियाज मनप्रीत, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, एक बता दो चार में से। वैसे मैंने कई कई बार रिपीट किया है। चलिए अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस इट, बंद कर।